उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने बरेली के मिशन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा, यूपी का चुनाव हो रहा है या किंडरगार्टन का कोई ड्रामा हो रहा है। यहाँ पर ओवैसी ने कहा, खरी सच्चाई को बयान करना मेरा मकसद रहा है। जब मैं सच्चाई बोलता हूं, आज यूपी में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है, बीजेपी को आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में बीजेपी के 300 एमएलए हैं, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। बाकी सपा को लगता है मियां तो इनके हम ही हैं, ये हमें छोड़कर कहां जाएंगे। सेलुरिज्म जिंदा नहीं है, ये सेलुरिज्म का जनाजा अब हम नहीं उठाएंगे। एक तरफ सपा, कांग्रेस, बीएसपी और दूसरी तरफ भाजपा है। सपा क्या कर रही है, मुस्लिम इलाकों में मुशायरा होता है, मुशायरे के बाद जब घर जाते हैं तो मुल्ला कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा, इस साल ईसाई लोग क्रिसमस नहीं बना पाए, वहां आरएसएस वालों ने जमकर खलल कर दी। क्या कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है, किसी ने सुनहरे गुरुद्वारे में जाकर वेद किल की, उसका क्या अंजाम हुआ। लेकिन यहाँ क्या होता है, कोई माँ ढंग से सो नहीं पाती, उसे लगता है उसका बेटा दूर है, पता नहीं कैसा होगा। यूपी में 2% भी मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन भी नहीं है, कैसे आपकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है झारखंड बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश, मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हां, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में, तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 120 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्मान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाप शनाप कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? इसलिए मारा कि उसने कहा कि गांधी मुसलमानों। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।